All right. So in the last class, we did discuss about the changes in consumer spending pattern and what are the factors which can bring a change in consumer spending pattern. And that is very important to know for a business, ताकि वो उसके हिसाब से दे कैन मेक चेंजेस अकॉर्डिंगली इन देयर प्रोडक्ट्स दे ऑफर. अदरवाइज इफ यू कीप ऑन सेलिंग द सेम प्रोडक्ट एंड स्पेंडिंग पैटर्न चेंजेस बिकॉज द टेस्ट हैज चेंज्ड और द टेक्नोलॉजी हैज बिकम एडवांस्ड और द इनकम लेवल हैज गॉन डाउन और गॉन अप, तो आप यू प्रोडक्ट जो है ना, इट्स नॉट गोइंग टू सेल वेल एट ऑल. इवन इफ इट वॉज अ ग्रेट सक्सेस इन द पास्ट, तो वो नहीं चलेगी. तो दैट वॉज इम्पोर्टेंट. अच्छा, रीजन ऑफ इंक्रीज कॉम्पिटिशन की तरफ अगर हम चले, कॉम्पिटिशन क्यों बढ़ता है? एक तो रीजन है ग्लोबलाइजेशन, और आगे ब्रैकेट में मैंने लिखा भी हुआ है वर्ल्ड वाइड कॉम्पिटिशन ड्यू टू रिड्यूस्ड ट्रेड बैरियर्स. वैसे तो ग्लोबलाइजेशन के का कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे इन द लेटर पार्ट ऑफ द नोट्स और द सिलेबस. अभी यहाँ पे थोड़ा सा जरूर हम डिस्कस कर लें कि कंपटीशन ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब है नाउ यू आर फेसिंग मोर राइवल्स हु आर मेकिंग एन एफर्ट टू सेटिस्फाई द सिमिलर नीड और वांट ऑफ द पीपल. आपको पहले भी बताया था कि व्हेन यू आर हैविंग कंपटीशन, इट डज नॉट मीन दैट दे आर सेलिंग द सेम प्रोडक्ट. इट डज नॉट मीन नेसेसरीली दे कैन सेल द सेम प्रोडक्ट और सिमिलर टू यू, और दे कैन सेल अ प्रोडक्ट एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम यू बट इट एक्चुअली सर्व द सेम पर्पज. ऐसा हो सकता है जैसे कि अगर फर्ज किया हम कहते हैं टी एंड सॉफ्ट ड्रिंक और कोल्ड ड्रिंक, तो अब इन दोनों में फर्क है, इनकी मैन्युफैक्चरिंग डिफरेंट है, टेस्ट डिफरेंट है, बट बोथ ऑलमोस्ट सर्व द सेम पर्पज. कहीं जाते हैं किसी के घर तो यही पूछा जाता है ना कि जी आप ठंडा लेंगे या गर्म, तो इसका मतलब है कि दे आर इन कॉम्पिटिशन. अच्छा, तो ग्लोबलाइजेशन में क्या होता है, वर्ल्ड वाइड कॉम्पिटिशन होता है. इसका मतलब है कि यू डू नॉट फेस कॉम्पिटिशन विद द बिजनेसेस विच आर ऑपरेटिंग इन योर ओन सिटी या ओन कंट्री या इन द नियर विसिनिटी. यू हैव टू फेस द कॉम्पिटिशन फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट वेयर डज दैट पर्टिकुलर बिजनेस लोकेट. वो कहीं पर भी है वो आपको कंपटीशन दे सकता है. जैसे आज के अगर आप गाड़ियों को ले लें तो सब गाड़ियां पाकिस्तान में नहीं बनती, बनती भी हैं कई बाहर से आती हैं. आजकल तो वैसे इम्पोर्ट्स बंद कर दी हुई है, बहरहाल ये हमारा टॉपिक नहीं है अंडर डिस्कशन. तो इम्पोर्टेड गाड़ियां बाहर से भी आती हैं, यहाँ भी बनती हैं. तो इसका मतलब है कि जो यहाँ गाड़ियां बन रही हैं वो कॉम्पिटिशन में हैं उन गाड़ियों से जो यहाँ बनती हैं, प्लस वो गाड़ियां जो दूसरे मुल्कों में बनती हैं बट दे सेंड इट टू पाकिस्तान एंड सेल दे सेल इट हेयर. तो ऐसा भी होता है जिन्हें इम्पोर्टेड कार्स बोलते हैं. और ये क्यों हुआ है, क्योंकि इसमें आपके एक तो बैरियर्स कम हो गए हैं. मतलब अब बैरियर्स क्या है ये हम चले फिर जरूर इसमें बात करेंगे. आप बैरियर ऐसे ले लो कि कोई भी फैक्टर विच रिस्ट्रिक्ट इंटरनेशनल ट्रेड, यानी कि अगर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो रही है तो उसको वो रोकता है. तो बैरियर जैसे रोड पे बैरियर होता है, हमने बात की थी, अगर बैरियर लगा हो तो इट एक्चुअली स्टॉप्स द फ्लो ऑफ ट्रैफिक. जैसे हमने बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन पढ़े थे कि अगर बैरियर है, कोई फैक्टर है, वो कम्युनिकेशन के फ्लो को स्मूथ नहीं होने देता. इसी तरह से ट्रेड बैरियर अगर कहा है तो ट्रेड का जो फ्लो है, यानी कि बाइंग एंड सेलिंग हो रही है, उसका फ्लो जो है वो स्मूथ नहीं रहता या हो नहीं पाता. तो कुछ बैरियर तो बिल्कुल ही ट्रेड को खत्म कर देते हैं. जैसे मैंने आपको भी बताया कि पाकिस्तान ने इम्पोर्टेड आइटम्स पे बैन लगाया हुआ है. कुछ शायद खोलने की अभी प्लान चल रहा है, लेकिन इम्पोर्टेड कार्स पे तो सभी बैन है, तो वो नहीं आ सकती. तो ये ट्रेड बैरियर है. तो अगर ट्रेड बैरियर कम किए जाएंगे तो इसका मतलब है कि फ्लो ऑफ जो ट्रेड है वो बढ़ेगा, और जब वो बढ़ेगा तो फिर ऑफ कोर्स दूसरी कंपनीज भी अपने प्रोडक्ट्स दूसरे कंट्रीज में भेजेंगी अदर देन देयर होम कंट्री, और उससे फिर कंपटीशन आपको फेस करना पड़ेगा. एंड दैट इज व्हाट वी कॉल वर्ल्ड वाइड कंपटीशन या ग्लोबलाइजेशन. एक तो ये बड़ा रीजन है जो पूरी दुनिया में कंपटीशन को इंक्रीज करता है, और पाकिस्तान में भी अगर मैं कार मार्केट की बात करूं तो बहुत तेजी से कंपटीशन इंक्रीज हुआ है और नए नए ब्रांड आए हैं मार्केट के अंदर. जैसे कि एमजी है, मॉरिस कैरेजेस जो पहले नहीं था, किया ने भी दोबारा एंट्री की है, ह्यूंडई ने भी दोबारा एंट्री की है, उसके अलावा चेंगान है, चेरी है, जो कि मार्केट में नए आए हैं और वो
इसी वजह से कि उन्हें नजर आया कि मार्केट में ग्रोथ भी है, प्लस बैरियर उस तरह से नहीं थे जो कि पहले लगाए जाते थे। फिर दूसरा जो हमारे पास फैक्टर आ रहा है वो इम्प्रूव ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, यस, कि अब बेटर रोड नेटवर्क आ गया आपके पास, और उसके थ्रू जैसे गाड़ियों की अगर मैं बात करूं तो दे आर सेंट थ्रू शिप्स, और वो रैम्प्स के थ्रू गाड़ियों को पोर्ट से अनलोड किया जाता है। तो वो एक सेफ सिस्टम है जिससे गाड़ियां आसानी से पहुंच जाती हैं एक मुल्क से दूसरे मुल्क में, अगर वो इम्पोर्टेड गाड़ियां हैं तो। इसी तरह से तो ऑफ कोर्स फिर अगर तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छा है एंड लोग जो है सेफ समझते हैं कि दे कैन सेंड देयर गुड्स टू अदर कंट्री और अब्रॉड, तो फिर कंपटीशन ऑफ कोर्स बढ़ेगा। फिर रोड नेटवर्क का भी एक है एक फैक्टर है कि रोड नेटवर्क में कि आप मुल्क में तो पहुंच गए हैं बट अगर रोड नेटवर्क नहीं बना हुआ तो यू आर नॉट एबल टू रीच टू योर डेस्टिनी, कि आपने जहाँ पहुंचाना है वो मार्केट है वो शोरूम है वहां पे पहुंचाना मुश्किल हो रहा है, हैजर्ड्स हैं बहुत से, रोड्स नहीं बनी हुई, टूट फूट है, जिसकी वजह से आपको देयर इज फियर दैट यू योर प्रोडक्ट्स वोंट रिमेन सेफ। तो वो जब रोड नेटवर्क भी अच्छा होगा, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी अच्छा होगा, तो फिर ऑफ कोर्स ट्रेड जो है ना उसको सपोर्ट मिलेगी और वो बढ़ेगी और उससे कंपटीशन भी बढ़ेगा। न्यू कंपनीज वुड लाइक टू सेंड देयर गुड्स टू अदर कंट्रीज एज वेल। इसी तरह इंटरनेट एंड ई कॉमर्स जो आ गया, इसकी इन्वेंशन से क्या हुआ कि अब यू डू नॉट नीड टू गो टू अनदर कंट्री टू हैव अ डील विद योर कस्टमर और विद योर सप्लायर। अब यू व्हाइल सिटिंग इन योर ओन कंट्री यू कैन टॉक टू देम, यू कैन सी देम, यू कैन हैव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, यू कैन सेंड देम एन ईमेल, और उससे यू कैन डन ईच एंड एवरीथिंग थ्रू इंटरनेट व्हाइल सिटिंग एट योर होम। और बैंक्स के थ्रू आप पेमेंट कर भी सकते हैं, रिसीव भी कर सकते हैं, और इसी तरह जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी आप भेज भी सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं, और कम्युनिकेशन तो ऑफ कोर्स आप कर ही सकते हैं। तो ये अगर इसकी वजह से भी कंपटीशन में इजाफा हुआ है और अब नाउ पीपल आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू ओनली देयर ओन कंट्री, दे आर सेलिंग गुड्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, तो ये भी एक फैक्टर है कंपटीशन इंक्रीज होने का। सही ना, ठीक है ना ये? यस सर। अच्छा, उसके बाद हाउ कैन बिजनेस रिस्पॉन्ड टू चेंजिंग स्पेंडिंग पैटर्न्स एंड इंक्रीज्ड कंपटीशन। तो ये दो फैक्टर हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और जिसके लिए आपको मार्केट रिसर्च की जरूरत भी पड़ती है, कि आप रिसर्च करती हैं तो आपको पता चलता है वेदर कंपटीशन इज इंक्रीजिंग और नॉट, और आपका लोगों का स्पेंडिंग पैटर्न चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये मैंने आपको बात बताई भी थी, और मार्केटिंग का ही काम है। तो अब अगर आप गौर करें तो उसको टैकल कैसे करना है, एक मेंटेन गुड कस्टमर रिलेशनशिप। अच्छा, आपका प्रोडक्ट जो है वो शायद वैसा ही है जैसा कि आपके कॉम्पिटिटर्स का है, लेकिन योर सर्विस इज वेरी गुड, मतलब आपका जो कस्टमर के साथ रिलेशनशिप है वो बहुत ही अच्छा है, जिसकी वजह से कस्टमर्स बिकम लॉयल टू यू एंड दे डू नॉट रिजॉर्ट टू एनी अदर ब्रांड। तो आप कहते हैं भाई यही लेना है, यानी कि जब तक आप कस्टमर दूसरा ब्रांड ट्राई नहीं करेगा उसको फर्क कैसे नजर आएगा, नहीं नजर आएगा ना ऑफकोर्स, तो वो आपका ब्रांड लेता रहेगा। आपकी सर्विस जो है वो इतनी अच्छी है, आपका कस्टमर रिलेशनशिप इतना अच्छा है, यू प्रोवाइड देम एवरी पॉसिबल इंफॉर्मेशन, यू आंसर एवरी सिंगल क्वेरी ऑफ द कस्टमर, यू मेक देम फील इंपॉर्टेंट, और यू मेक द गुड्स अवेलेबल फॉर देम ऑल द टाइम व्हेन एवर दे रिक्वायर। तो इससे एक हेल्दी कस्टमर रिलेशनशिप स्टेब्लिश हो जाता है, दैट इज द की इन टूडेज वर्ल्ड। तो अगर कोई न्यू एंट्रेंट आया भी है तो लोग दे वोंट स्विच टू दैट कॉम्पिटिटर, और अगर आपसे अच्छी प्रोडक्ट भी है तो पीपल माइट नॉट स्विच, और आपको थोड़ा सा एक मार्जिन मिल जाता है कि आप भी उस तरह का प्रोडक्ट बनाकर मार्केट में ले आए तो कस्टमर कहेगा नहीं जी हम आपसे लेंगे, आप बनाए, थोड़ा डिले है, हम आपसे लेंगे, आप ही तो कर रहे हैं ना कुछ। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और कॉम्पिटिशन में आपको हेल्प मिलती है। जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ कि आप टोयोटा सुजुकी और होंडा को लो, दीज आर जाइगेंटिक कंपनीज एंड ऑल बिलोंग टू जापान। अब जापानीज कंपनीज हैं और पहले ये तीन ही होती थी, लेकिन एक कस्टमर रिलेशनशिप उन्होंने बिल्डअप किया हुआ था बहुत पहले से, एक रेपुटेशन बिल्डअप की हुई थी। तो अब और कंपनीज आ गई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सुजुकी की सेल, होंडा की, टोयोटा की सेल चल रही है। और आपको बताया भी था कि अभी पिछले महीने में जो सेल हुई 2022 में, वो सबसे ज्यादा सेल थी सुजुकी की। तो इससे आप अंदाजा लगा लो तो कि कस्टमर रिलेशनशिप जो है वो कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो कंपटीशन में आपको यू डोंट फेस
दैट मच टफ टाइम. मतलब होता तो है, कंपटीशन आता तो है, लेकिन स्टिल यू आर एबल टू मैनेज दैट, यू कैन कोप अप विद दैट कंपटीशन एज वेल. फिर कीप इम्प्रूविंग इट्स एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, ये तो इम्पोर्टेंट ही है. कस्टमर रिलेशनशिप के साथ साथ यू हैव टू इम्प्रूव योर प्रोडक्ट सूनर और लेटर. बट अगर आप बहुत लेट कर रहे हैं तो ऑफकोर्स फिर कस्टमर वुड वेट फॉर अ सर्टन टाइम पीरियड बिकॉज कस्टमर इज लॉयल टू यू. बट लेटर ऑन इफ यू देर इज अ टू मच डिले तो फिर वो कस्टमर वुड स्विच टू अदर राइवल्स हु आर ऑफरिंग बेटर प्रोडक्ट्स देन यू. तो वो आपको करना पड़ेगा. और उसके बाद इनोवेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स. यस, अपने पुराने प्रोडक्ट्स को इम्प्रूव करना है और यू हैव टू कम अप विद न्यू प्रोडक्ट्स एज वेल. तो ये भी करना है साथ, पुरानों को भी चलाना है, उनको इम्प्रूव करना है, नए भी निकालने हैं, ये दोनों ही जरूरी है. और कीप कॉस्ट लो टू रिमेन कंपेरेटिव. और ये भी कि कंपटीशन में आप प्राइस जो है ना वो एक रीजनेबल अमाउंट होनी चाहिए ताकि कस्टमर जो है ना वो स्विच ना करें कहीं और. अदरवाइज इफ यू हैव मेनी ऑप्शंस और आपको लगे कि एक चीज थोड़ी सी महंगी नजर आ रही है, चाहे वो कपड़े हो, सेलफोन हो, गाड़ियां हो, कुछ भी है, तो आप फिर ऑफ कोर्स चीपर ऑल्टरनेटिव की तरफ स्विच कर जाते हैं इफ यू फील देर इज नो बिग डिफरेंस, देर इज अ ह्यूज डिफरेंस इन प्राइस. और अगर कोई खास डिफरेंस नहीं है तो यू रिमेन लॉयल और आप उसी ब्रांड से लेते रहते हैं कि यार प्राइस सेम ही है तो हम अपने जाने माने ब्रांड से क्यों ना लें. ऑफ कोर्स तो अब इसी तरह तो ये है आपके तरीके रिस्पॉन्ड करने के, इंक्रीज कंपटीशन और अगर चेंजिंग स्पेंडिंग पैटर्न है तो उसको भी. तो आप अपने वर्ड को इम्प्रूव करते जाएंगे और इनोवेशन लाते जाएंगे तो ऑफ कोर्स स्पेंडिंग पैटर्न को आप एड्रेस करके ये काम कर रहे हैं. रिमेम्बर इट्स नॉट अबाउट कि आप ऐसे ही जो है ना वो इम्प्रूव करेंगे अपने प्रोडक्ट्स को विदाउट नोइंग व्हाट पीपल वांट. आप स्पेंडिंग पैटर्न को देखकर रिसर्च करके फिर डिसाइड करेंगे कि क्या इम्प्रूव करना है, कौन सा एलिमेंट और किस किस्म की इनोवेशन या डेवलपमेंट चाहिए. अच्छा, फिर हमारे पास आ जाता है जी ये मैस मार्केट. अच्छा, अब मैस मार्केट क्या है, पता है आपको इसके बारे में? नो सर, नो, ऑल राइट, कोई मसला नहीं. तो हम बात कर लेते हैं उसकी, ये हम कर चुके हैं बात सारी. तो मैं स्लाइड्स में दिखा रहा था मैस मार्केट, आपको नजर आ रहा है कि इट इज अ मार्केट वेयर देयर इज लार्ज नंबर ऑफ सेल्स ऑफ अ प्रोडक्ट. अभी एक डेफिनेशन टाइप लिखी हुई है लेकिन इससे कुछ ज्यादा समझ नहीं आती कि क्या मतलब है इसका. मैस मार्केट का मतलब है कि द प्रोडक्ट यू आर प्रोड्यूसिंग इज फॉर मैसेस, मतलब एवरीबॉडी कैन बाय इट. यू हैव नो सेगमेंट टू टारगेट, यू कंसिडर द होल मार्केट एज वन सेगमेंट. मतलब इसमें आपने मार्केट सेगमेंटेशन नहीं की कि ये जैसे एक सेगमेंटेशन का तरीका है एज, बच्चे, टीनेजर्स, यंग एडल्ट्स, फिर खैर मिडिल एजेड, ओल्ड, ठीक है ना, सेगमेंटेशन है. इनकम को भी ले लो, लो इनकम ग्रुप, मीडियम, हाई इनकम ग्रुप, वेरी हाई इनकम ग्रुप, राइट, ये भी है हमारे पास. फिर जेंडर है, मेल फीमेल नजर आती है, तो ये सेगमेंटेशन. और फिर आप डिसाइड करते हैं कौन सा सेगमेंट टारगेट करना है, जो हमने पहले पढ़ा भी था पिछले लेसन में. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मैस मार्केट, तो मैस मार्केट में क्या होता है कि यू फील दैट मेजोरिटी ऑफ द पीपल और ऑल द पीपल इन द मार्केट दे वुड लाइक टू हैव सिमिलर सॉर्ट ऑफ अ प्रोडक्ट. तो फिर आप कहते हैं कि अगर मैस मार्केट है और एक ही चीज बड़ी तादाद में बिक सकती है तो वाई टू गो फॉर सेगमेंटेशन. तो लेट्स प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट और सेल इट टू एवरीबॉडी और सारे इसको लेंगे तो हम बोलेंगे मैस मार्केट. जैसे मैंने कहा, पहले भी बताया, पेप्सी और कोक को ले लो तो वो एक मैस मार्केट है. मतलब वो बच्चे भी पीते हैं, बूढ़े भी पीते हैं, जवान भी पीते हैं और सब में वो इस्तेमाल हो रही है, तो मैस मार्केट चल रही है. पेप्सी कोक की जो एग्जाम्पल हमने ली हुई है, मैस मार्केट है. और उसमें आपने अब जाके कुछ आप कह लो कि कुछ ऐसे उन्होंने वेरिएशन निकाल दिए हैं कि लो कैलोरी या विदाउट शुगर इस तरह का, कि वो फिर उस एक थोड़ी सेगमेंटेशन कर ली कि जो नहीं इस्तेमाल करना चाह रहे और हु आर डायबिटिक और हु आर कॉन्शियस अबाउट देयर हेल्थ, तो वो फिर जो शुगर फ्री है या विदाउट शुगर वाले जो वेरिएंट्स हैं उनको इस्तेमाल कर ले. लेकिन ऑफ कोर्स आई टेस्टेड दैट एज वेल, लेकिन द टेस्ट वाज नॉट द सेम. तो ऑफ कोर्स आप भी पेप्सी कोक पीती होगी, है ना? नो सर, अच्छा, वेरी गुड. अगर नहीं पीती तो ग्रेट,
फिर आपकी मामा ने मना किया होगा, आप तो मना होने वाली नहीं हो, है ना? नो सर, मुझे पसंद ही नहीं है। वेरी स्ट्रेंज बट वेरी गुड ऑफ यू एज वेल ना, वरना तो आपकी उम्र में तो बच्चे पीते ही हैं। ऑल राइट, तो वो फिर उससे प्रॉब्लम, लेकिन वो लोग जो कहते हैं जी हेल्थ इज मोर इम्पोर्टेंट, तो फिर वो उसी पर एग्री करते हैं कि जी यार शुगर फ्री ही लेना है, इवन इफ द टेस्ट इज नॉट द सेम। अच्छा, मैस मार्केट आपको बहरहाल समझ आ गई। इसी तरह मैं न्यूज़पेपर की बात करता हूँ, मैस मार्केट है, अखबार जंग का अखबार आ रहा है तो सबके लिए है, बच्चों ने पढ़ना है, बच्चे पढ़ लें, बड़े बूढ़े जवान जो भी है, मर्द औरतें सब अखबार पढ़ सकते हैं, वो भी मैस मार्केट में ही आ सकता है आसानी से। इसी तरह आपके कपड़े बनते हैं, वो भी मैस मार्केट में हो सकते हैं, जूते भी हो सकते हैं, मैस मार्केट में चल सकते हैं। लेकिन अगर आप उसमें कैटेगरीज बना लें कि हम फीमेल्स के लिए बनाते हैं, दिस इज नॉट मैस मार्केट, हम बच्चों के लिए बनाते हैं, दिस इज नॉट मैस मार्केट, तो ये आपने ध्यान में रखना। अच्छा, अब मैस मार्केट में एक सबसे बड़ा फायदा है हाई सेल्स, क्यों? क्योंकि नाउ यू आर प्रोड्यूसिंग वन सिंगल प्रोडक्ट और आप उसी की लार्जर क्वांटिटी बना के सबको बेच रहे हैं, और आपको पता है कि मेजोरिटी ऑफ द पीपल विल बाय इट। आपको एक सर्टन सेगमेंट नहीं है जिन्होंने बाय करना है, मर्द भी बाय करेंगे, औरतें भी, बच्चे, बूढ़े, जवान, गरीब, अमीर, जो भी है सब बाय कर रहे हैं। अब पेप्सी कोक को ले लो ना, गरीब भी पीता है, अमीर भी पीता है, तो कोई फर्क नहीं है उसके अंदर, बच्चा भी पीता है, जवान भी पीता है, मर्द औरत, तो ये इस तरह से तो हाई सेल्स उसकी होती है। एक ये बड़ा फायदा है, और हाई सेल्स फायदा क्यों है, क्योंकि इवन इफ सम पीपल स्टॉप बाइंग इट, स्टिल इट विल नॉट गिव यू अ ह्यूज डिसएडवांटेज, ये सेटबैक नहीं होगा बिजनेस के लिए, क्योंकि ऑलरेडी इतने लोग ले रहे हैं। फर्ज किया 5 लाख लोग आपसे बाय कर रहे हैं, तो अगर 1,000 लोग नहीं भी बाय करते तो व्हाट्स अ बिग डील ना, आपके तो सेल्स पे और प्रॉफिट पे वो इतना बड़ा आपके तो फॉल नहीं आने वाला। तो इसलिए हाई सेल्स इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि अगर सेल्स ज्यादा है तो इट विल बिल्ड अप रेपुटेशन कि दिस इज द लार्जेस्ट सेलिंग ब्रांड, और इट द सेल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर ब्रांड और बिजनेस इज दैट मच, तो वो आपके मार्केट शेयर को भी बढ़ाएगा और ब्रांड भी को ब्रांड बिल्डिंग भी करेगा। फिर इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ये हमने शायद पहले पढ़ा है जरूर, आगे इसको डिटेल में जरूर पढ़ेंगे जब आएगा। और हमने इसमें क्या पढ़ा था, इकोनॉमी स्केल क्या होती है, याद है क्या? भूल गया सर, यस, बल्क बाइंग एडवांटेज। जी, बल्क बाइंग एडवांटेज, अभी तक हमने यही पढ़ा है इकोनॉमी स्केल के बारे में। तो ऑफ कोर्स जब आप एक ही चीज बना रहे हैं तो व्हाट एवर रॉ मटेरियल यू रिक्वायर, व्हाट एवर इंग्रेडिएंट्स यू रिक्वायर, यू विल बाय इन लार्ज क्वांटिटी एंड यू विल गेट दैट बल्क बाइंग एडवांटेज, यू विल गेट द डिस्काउंट फ्रॉम द सप्लायर। अब इमेजिन करो कि अगर आप डिफरेंट वेरियंट्स बना रहे हैं, ये बच्चों के लिए है, ये बूढ़ों के लिए है, ये जवान के लिए, जवानों के लिए है, ये अमीर के लिए, ये गरीब के लिए, तो अब आप एक ही क्वांटिटी को लार्ज अमाउंट में नहीं बना सकते, लार्ज क्वांटिटी में, तो ऑफ कोर्स आपको स्मॉलर क्वांटिटीज में, ये बच्चों की आइटम के इंग्रेडिएंट हैं या रॉ मटेरियल है, ये बड़ों की आइटम का रॉ मटेरियल या इंग्रेडिएंट है, तो ऑफ कोर्स यू वोंट गेट द सेम इकोनॉमीज ऑफ स्केल ऑफ दैट लेवल, तो उससे आपकी कॉस्ट उतनी कम नहीं होगी जो कि यहाँ होने वाली है। अच्छा, एक बात याद रखना है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मैस मार्केट एंड मैस मार्केटिंग। मैस मार्केट इज अ मार्केट, इज अ प्लेस ना, मैस मार्केट इज अ प्लेस के आप फील करते हैं कि मेजोरिटी ऑफ द पीपल दे हैव द सेम डिजायर इन द मार्केट, सो देयर इज नो नीड ऑफ सेगमेंटेशन। तो जब आप ये डिसाइड करते हैं कि वी वोंट सेगमेंट द मार्केट एंड वी विल प्रोड्यूस वन प्रोडक्ट फॉर एवरीबॉडी इन द मार्केट, तो इसका मतलब है नाउ यू आर फॉलोइंग मैस मार्केटिंग अप्रोच। तो मैस मार्केटिंग इज एन अप्रोच और इज अ स्ट्रेटेजी, जबकि मैथ मार्केट जो है वो तो एक मार्केट है, एक वो लोगों की बात हो रही है वहां पर। अच्छा, वो प्लेस है जहां पर लोग बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हैं, तो वो एक चीज को अगर ज्यादा खरीदते हैं या उसी को खरीदते हैं तो फिर आप उस मार्केट में मैथ मार्केटिंग के अप्रोच लगा सकते हैं। अच्छा, फिर चांसेस ऑफ ग्रोथ है। अच्छा, तो इकोनॉमी स्केल, तो कॉस्ट कम होगी तो प्रॉफिट बढ़ेगा ऑफकोर्स, और ग्रोथ के चांसेस ज्यादा क्यों है, क्योंकि इमेजिन करो, मैंने आपको पहले भी एग्जाम्पल दी थी, यू सेल बर्थडे केक्स, तो अब बर्थडे केक्स हैं तो अब क्या जितने लोग हैं सब तो बर्थडे नहीं मनाते ना रोज, सबकी थोड़ी बर्थडे हो जाती, तो इसका मतलब यह है कि फ्यू पीपल विल कम टू बाय केक्स, कुछ बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, कुछ नहीं भी करते, और सबकी तो होती भी नहीं है, तो उसमें ग्रोथ के चांसेस उतने हैं नहीं, बिकॉज यू हैव लिमिटेड नंबर ऑफ कस्टमर्स। उनको आप महंगा बेच दें और बात है फाइन, लेकिन आपकी ग्रोथ का मतलब है कि साइज ऑफ द बिजनेस वोंट इंक्रीज मच। तो अब अगर आप फर्ज किया केक बनाते हैं सबके लिए, फॉर एवरीबॉडी, तो फिर अब आपकी ग्रोथ के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि एवरीबॉडी कैन बाय फ्रॉम यू, वो बच्चा भी हो सकता है, बूढ़ा भी हो सकता है, जवान भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है,
अगर आप मैस मार्केटिंग कर रहे हैं तो उस केस में तो फिर चांसेस ऑफ ग्रोथ ज्यादा हो गए, आपकी सेल्स ज्यादा बढ़ेगी। और उसका सबसे बड़ा फायदा क्या है कि ग्रोथ से एक तो रेपुटेशन बिल्डअप होती है, दूसरा ये है कि आपको बताया रिस्क कम हो जाता है, बिकॉज नाउ रिस्क विल बी स्प्रेड टू मेनी मोर यूनिट्स। कुछ यूनिट्स कम भी हो गए, फॉल भी, सेल्स फॉल भी कर गई, तो इट वोंट अफेक्ट यू मच। मैं एग्जाम्पल देता हूँ कि आपके पास 10, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, एक वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव कार इन द वर्ल्ड, रोल्स रॉयस, नाम सुना है? नो सर, रोल्स रॉयस का नाम नहीं सुना, चलो कोई बात नहीं, गूगल कर लेना बाद में। तो ये वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव कार, ये तो पाकिस्तान में तो खैर नजर नहीं आती, यूरोप में भी आपको इक्का दुक्का बहुत कम लोगों के पास नजर आएगी, यूके में भी, यूके की अगर बात करूं तो। रोल्स रॉयस जो है वो, उसकी खास बात ये है कि वो है हैंडमेड, तो कैन यू इमेजिन, हैंडमेड है, लोगों के ऑर्डर पे उसमें नेसेसरी चेंजेस की जाती है, मुझे इंटीरियर ऐसा चाहिए, ये करना है वो करना है, और इसीलिए उसकी वजह ये है, इसकी वजह से वो ज्यादा महंगी है। तो अब रोल्स रॉयस के कस्टमर जो है वो, फर्ज किया कि एग्जाम्पल देता हूँ, 50 है, तो इमेजिन करो अगर 25 लोग छोड़ देते हैं तो 50% ऑफ द सेल्स वो ड्रॉप, बहुत बड़ा सेटबैक आ जाएगा, ठीक है यहाँ पर। तो आप इमेजिन करो कि अगर आप एक बंदा गाड़ी बना रहा है और सबके लिए बना रहा है और सब ले रहे हैं और उसके कस्टमर्स हैं लेट से 50 लाख, तो अब इमेजिन करो कि अगर 50 लाख में से 1 लाख लोग भी छोड़ देते हैं, स्टिल इट्स नॉट अ बिग डील, उसकी सेल में को बहुत बड़ा जो है वो कट नहीं लगेगा कंपेयर टू रोल्स रॉयस। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर, तो इसलिए ग्रोथ जो है वो हर बिजनेस चाहता है, ताकि जो रिस्क है स्प्रेड हो जाए और कम चांसेस हो फेलियर के, या कुछ सेल्स गिर भी जाए तो स्टिल दे विल बी एबल टू मैनेज इट, बियर इट। अच्छा, रिड्यूस रिस्क ऑफ फेलियर, ये मैं चूंकि साथ ही रिलेट कर दिया है, अगर आप चाहो तो अलग भी कर सकती हो, चांसेस ऑफ ग्रोथ को आप वो ब्रांड बिल्डिंग, ब्रांड रेपुटेशन के साथ, इट लेटर ऑन यू कैन क्लेम दैट वी आर सेलिंग, वी आर द नंबर वन ब्रांड इन द वर्ल्ड या इन द सिटी या इन द कंट्री, वो आप इस तरह कह सकते हैं। और रिस्क ऑफ फेलियर को आप अलग से एक्सप्लेन कर दें, और अगर दोनों को इकट्ठा आप चांसेस ऑफ ग्रोथ के साथ रिस्क ऑफ फेलियर को जोड़ना चाहते हैं, तो एग्जामिनर विल कंसीडर दैट एज वन पॉइंट, प्लस आप जो रिस्क ऑफ फेलियर को साथ जोड़ोगी उसको वो एनालिसिस मान लेगा। ये इट्स अप टू यू कि आप उनको दोनों को सेपरेट पॉइंट अगर लिखनी है तो सेपरेट लिख दो, फिर उसकी डेवलपमेंट ऑफ कोर्स डिफरेंट होगी, दोनों पॉइंट्स की डेवलपमेंट सेम नहीं होगी, वो कंसिडर नहीं करेगा अदरवाइज दो डिफरेंट पॉइंट्स। अच्छा, डिसएडवांटेज क्या है जी मैथ मार्केटिंग के, इंटेंस कंपटीशन होता है, ऑफ कोर्स क्यों होता है भला, इसीलिए कि यू आर टारगेटिंग द होल मार्केट, आपकी टारगेट मार्केट पूरी मार्केट है, कोई सेगमेंट कोई पोर्शन नहीं है। मार्केट सेगमेंटेशन में तो होता है ना, यू सिलेक्ट अ पोर्शन ऑफ द मार्केट कॉल्ड अ मार्केट सेगमेंट, यहाँ तो पूरी मार्केट है, पूरी मार्केट में तो कितने ब्रांड्स होंगे, किसी ने कोई एक सेगमेंट टारगेट किया होगा, किसी ने कोई और सेगमेंट टारगेट किया होगा, किसी ने पूरी मार्केट की होगी, तो यानी कि आपका कंपटीशन हर ब्रांड के साथ हो जाएगा, जिसने एक पोर्शन को भी टारगेट किया होगा, यू हैव कंपटीशन विद दैट ब्रांड एज वेल, तो कंपटीशन तो इंटेंस हो गया आपका। कॉन्ट्रेरी टू इट, अगर आप किसी एक पोर्शन को पकड़ लेते हैं तो हो सकता है वहां पर आपका कॉम्पिटिशन हो ही ना, कोई ब्रांड ही ना हो। जैसे हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा भी था मार्केट गैप का, क्या आपने मार्केट गैप ढूंढ लिया, एक सेगमेंट ऐसा ढूंढा वेयर पीपल हैव नो गुड और सर्विस टू सेटिस्फाई देयर वांट, तो आपने वहां पर अपना प्रोडक्ट बना लिया, अब आपका कोई कंपटीशन नहीं है, आपके मजे हो गए। तो यहाँ पर वो केस नहीं है, वहां पर तो आपका कंपटीशन हर कंपनी के साथ है, चाहे वो सेगमेंट को टारगेट कर रही है या पूरी मार्केट को कर रही है। तो इसका मतलब है कि आपके लिए यू हैव टू फेस टफ टाइम, और योर प्रोडक्ट नीड्स टू बी रियली गुड, और इट शुड और इट मस्ट सेटिस्फाई द नीड्स एंड वांट्स ऑफ द पीपल टू देयर डिजायर लेवल, इट मस्ट मीट देयर एक्सपेक्टेशन। अच्छा, फिर स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट्स में लीड टू लॉस्ट सेल्स और मे नॉट बी लाइक बाय एवरीवन, ये एक बात आ गई। तो अब इसमें क्या कि स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था, इट डज नॉट मीन टॉप क्वालिटी प्रोडक्ट, स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट मीन्स दैट ऑल प्रोडक्ट्स दे आर एग्जैक्टली द सेम, एंड दैट इज व्हाट यू आर डूइंग ना इन मैस मार्केटिंग, यू प्रोड्यूस द सेम प्रोडक्ट एंड यू सेल इट टू एवरीबॉडी। तो उसमें हो सकता है कुछ लोगों को ना भी पसंद आए, कुछ लोग स्लाइट वेरिएशन चाहते हो उसके अंदर, बट बिकॉज यू डू नॉट ऑफर, फॉर दैट रीजन दे माइट स्विच टू योर राइवल, तो एक ये प्रॉब्लम भी हो सकती है। फिर हाई कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग ड्यू टू इंटेंस कॉम्पिटिशन, यस जब कॉम्पिटिशन ज्यादा है जैसे मैंने ऊपर लिखा है तो उसमें तो फेलियर के चांसेस आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर यह है कि यू हैव टू एडवर्टाइज मोर टू सरवाइव, क्योंकि अगर आप एडवर्टाइज नहीं करेंगे एंड देर आर लॉट्स ऑफ ब्रांड्स,
पीपल विल फॉरगेट योर ब्रांड वाइल बाइंग. और आपको मैंने बताया था, व्हेन यू गो टू मार्केट यू ऑलवेज बाय दोज ब्रांड्स व्हिच आर इन योर मेमोरी. रिमेम्बर, इफ देयर इज सम ब्रांड व्हिच यू मिस आउट और इट्स नॉट देयर इन योर मेमोरी, यू वोंट बी एबल टू बाय इट ना, बिकॉज यू वोंट बी एबल टू नेम इट. यू विल बाय द ब्रांड व्हिच यू नो, यू विल नेम इट एंड यू विल गेट इट. सो दैट्स व्हाई यू एडवर्टाइज, सो दैट पीपल कीप ऑन रिमेम्बरिंग. It must be there in the memory of the people so that when they visit a market to buy something, they'll name it. और advertising जितनी अच्छी करते हैं आप, उतना ही नाम जो है वो stack करता है top पर. मतलब आपका जो evoked set होता है, मैंने आपको बताया भी था कि हर बंदे की memory में एक evoked set होता है, कि the ability to recall brands, वो एक order में पड़े होते हैं. और आप जो top priority होती है, होती है आपकी, वो आपके evoked set में सबसे ऊपर होता है. evoked मतलब आपकी एबिलिटी टू रिकॉल को शो कर रहा है. जैसे मैं अगर बात करता हूँ कि किसी गाड़ी की, किसी सेलफोन की, किसी सोप की, लैपटॉप की, तो जो पहला नाम आपके जहन में आता है, इसका मतलब है आपके वर्क साइट में इट इज एट द टॉप. और जब भी आप मार्केट जाएंगे और आपके पास पैसे अगर हैं तो आप वही नाम लोगे. मैं कहता हूँ मिनरल वाटर, क्या नाम जहन में आता है जल्दी से, कौन सा ब्रांड? नेस्ले नेस्ले. और उसकी वजह यह है कि नेस्ले वॉज द फर्स्ट कंपनी विच ऑफर्ड स्टार्टेड ऑफरिंग मिनरल वाटर इन पाकिस्तान. वैसे तो नेस्ले आपको बताया भी था लार्जेस्ट फूड कंपनी इन द वर्ल्ड है, लेकिन वो ये वजह. तो आपको नेस्ले ही जेन में आएगा और नेस्ले लेंगे, दूसरे नाम आपको जेन में नहीं आ रहे और आप नेस्ले लेकर निकल जाओगे चाहे दूसरे ब्रांड साथ पड़े हों. और अगर कोई बंदा कोई और नाम बता दे आपको जो आपने सुना ही ना हो कभी, जैसे कि आबशार एक मिनरल वाटर है. मैं कल एक ओकेजन में गया तो वहां एक मिनरल वाटर की बोतल पड़ी थी आबशार, तो लोगी आप, आपको आधी कीमत पे दे रहे हैं मिनरल नो वाटर. सर, हाँ, इवन है वो आधी कीमत भी देंगे आप नहीं लेंगे, लेकिन हमने ट्राई नहीं किया, वो पता नहीं क्या चीज है ये. अब मिनरल वाटर उतना प्योर है भी कि नहीं है. तो इसीलिए एडवर्टाइजिंग इज, इट इज क्रिटिकल टू द सक्सेस ऑफ अ बिजनेस वेयर देयर इज हाई अमाउंट ऑफ कॉम्पिटिशन, ताकि लोगों को वो नाम याद रहे. आपने टोयोटा के कार का इश्तिहार टीवी पे देखा है? ये गाड़ी यस आई सर, थी, हाँ यारिस गाड़ी आई थी, कोरोला भी अब आई हुई है एक्स, तो इनका एड देखा है ना टीवी पे, देखा है ना? यस सर, तो आप 2 3 4 साल पीछे चले जाओ, आप ऐसे छोटी होगी उस वक्त, तो उससे पहले टोयोटा कभी एड दिया ही नहीं टीवी पे. क्यों नहीं दिया? क्योंकि कंपटीशन नहीं था. अब चूंकि कंपटीशन आ गया है तो नाउ दे हैव टू टेल पीपल के आर ब्रांड इज स्टिल देयर. ये ना हो कि लोग भूल ही जाएं. पहले क्यों नहीं जरूरत थी? क्योंकि नाम ही 3 थे, होंडा, टोयोटा, सुजुकी, तो वो लोगों के फिंगर टिप्स पे से याद थे. तो अब उन लोगों को इसलिए एडवर्टाइजमेंट की जरूरत नहीं पड़ती थी, अब उनको जरूरत है, जिसकी वजह से अब उनको एडवर्टाइज भी करना पड़ जाता. तो कॉस्ट तो आपको इसकी पड़नी पड़नी है, एंड दैट विल बी क्वाइट एन अमाउंट. आपको बहुत ज्यादा खर्चा भी करना पड़ सकता है. अच्छा, फिर हम आते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट पे, नीश मार्केट. नीश मार्केट जो है, आप कह लो कि ऑपोजिट ऑफ मैस मार्केट है. और ये क्या लिखा है जी, इज स्मॉल एंड स्पेशलाइज्ड सेगमेंट ऑफ अ मच लार्जर मार्केट. आपने याद रखना है कि नीश मार्केट जो है ना, ये मार्केट सेगमेंटेशन के रिजल्ट में आता है. मतलब यू सेगमेंट द मार्केट एंड यू पिक अ वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ द मार्केट, स्मॉल पार्ट ऑफ द मार्केट, और उस मार्केट सेगमेंट को हम बोलते हैं नीश मार्केट. रिमेंबर, अब स्मॉल है और मैंने साथ स्पेशलाइज्ड भी लिखा हुआ है. स्पेशलाइज ये कि पीपल हैव सम स्पेसिफिक नीड्स इन दैट मार्केट. जैसे मैंने आपको रोल्स रॉयस की बात की है, तो रोल्स रॉयस इज अ निश मार्केट बिकॉज वेरी फ्यू पीपल बाय इट. और एक तो महंगी बहुत है और उनकी अपनी एक रिक्वायरमेंट है, वरना गाड़ी में आप गाड़ी देखते हैं, फीचर देखते हैं, बैठते हैं, अच्छी लगी बाय कर ली, लेकिन देर आर सर्टन पीपल हु वॉन्ट द फीचर ऑफ देयर ओन रिक्वायरमेंट. दे डू नॉट लाइक टू बाय अ कार which does not have features which they want. तो जो रोल्स रॉयस की बात कर रहा हूँ, ये एक निश मार्केट है. इसी तरह अगर मैं ओमेगा वॉच की बात करूँ, 5 6 लाख की, 7 लाख, 8 लाख की वॉच, वो कौन लेता है? निशी हो गई, कोई बाय नहीं करेगा ना. पाकिस्तान की बात करूँ तो लाखों की गाड़ी क्यों लेगा कोई? वो कहेंगे भाई बेहतर है ऐसे गाड़ी ना ले लें, तो वो इसमें आ जाती है. अच्छा, तो इसका मतलब ये है, इसी तरह अरमानी जीन्स को भी आप ले लो, निश में तो नहीं आती वैसे ये, लेकिन अगर मैं कहूं कि 25 30 हजार की आपको जीन्स मिले, तो ऑफ कोर्स वो इतनी महंगी है कि हर बंदा तो खरीदेगा ही नहीं. वो कहेगा भाई ये तो, उसमें बहुत वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल वुड लाइक टू बाय दैट. तो
निश मार्केट जो है वो एक बहुत ही स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल होता है हु हैव देयर ओन स्पेसिफिक नीड्स। तो जब आप उनको पूरा करते हैं, यदि हम इस निश मार्केट को टारगेट करेंगे तो उसमें चूंकि एक तो मार्केट बहुत छोटी होती है, तो एवरी कंपनी डज नॉट वॉन्ट टू गेट इन टू दैट कि यार मार्केट छोटी है, इसमें एक ही अगर दो बिजनेस भी आ जाएंगे तो कस्टमर इतने कम है कि प्रॉफिट किसी को भी नहीं होने वाला। तो वो एक नॉर्मली लेट से एक ही कंपनी होती है, तो वही कंपनी के पास कस्टमर तो कम होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि प्रॉफिट नहीं होता, बिकॉज दे आर सप्लाइंग टू दो लिमिटेड नंबर ऑफ कस्टमर्स एंड दे आर प्रोड्यूसिंग व्हाट इज डिजायर्ड बाय द पीपल। तो वो लोग कहते वो जो प्राइस चार्ज करते हैं वो पे कर देते हैं, वो कहते हैं ठीक है जी हम तो पे करने के लिए तैयार है, नो प्रॉब्लम। तो प्रॉफिट हमें होता है निश मार्केट में, लेकिन नंबर ऑफ पीपल कम होते हैं, तो उसमें वही बात एलिमेंट ऑफ रिस्क बहुत बढ़ जाता है कि अगर थोड़े से भी कस्टमर छोड़ देंगे तो देर बी ह्यूज लॉस। क्योंकि अगर आप फर्ज किया कि 50 करोड़ का भी प्रॉफिट कमा रहे हैं फ्रॉम 100 पीपल, तो अगर 50 लोग भी छोड़ देंगे तो आपका प्रॉफिट विल गेट स्क्वीज बाय 50%, इमेजिन करो ना। और अगर यही बंदा कोई और है जो कि 50 करोड़ का प्रॉफिट कमा रहा है लेकिन उसके पास कस्टमर भी 5 करोड़ है, तो अब अगर इमेजिन करो कि 50 या 100 कस्टमर कम भी हो जाते हैं तो उसके तो प्रॉफिट पे इतना बड़ा कट नहीं लगने वाला, इस पे लग जाएगा। अच्छा अब जैसे कि मैंने बहुत वेरी एक्सपेंसिव वॉच अगर हो तो उसकी बात कर सकते हैं, या वेरी एक्सपेंसिव शूज हैं जिसमें गोल्ड की लेट्स से के गोल्ड यूज हुआ हुआ है, गोल्ड के पीसेस लगे हुए हैं, तो ऑफ कोर्स वो इट विल बी वेरी वेरी एक्सपेंसिव ना, कि जूता 8-8 10-10 लाख का जूता, अब 8-8 10-10 लाख का जूता कौन लेता, ऑफ कोर्स इट्स अ निश मार्केट ना। अच्छा अब एडवांटेजेस क्या है जी, स्मॉल फर्म्स आर एबल टू अवॉइड कॉम्पिटिशन फ्रॉम लार्जर फर्म्स, तो ये मैंने आपको बताया जनरली स्मॉल फर्म। अच्छा स्मॉल फर्म डज नॉट मीन कि उसका प्रॉफिट भी कम होगा, मैंने आपको पहले ही बताया प्रॉफिट हो सकता है ज्यादा हो, सेल्स कम है लेकिन रेवेन्यू बहुत है और उससे प्रॉफिट भी बहुत हो रहा है। तो अगर छोटी कंपनी जो कहती है हम बड़ी कंपनी से कॉम्पिटिशन में नहीं आना, तो हम स्मॉल मार्केट में चले जाते हैं, मार्केट सेगमेंट को पकड़ लेते हैं जो कि निश मार्केट है, और इस अप्रोच को बोलते हैं निश मार्केटिंग। निश मार्केट एक स्मॉल पोर्शन ऑफ द मार्केट है और निश मार्केटिंग इज एन अप्रोच टू टारगेट दैट मार्केट सेगमेंट। तो उसमें बड़ी फर्म नहीं जाती क्योंकि बड़ी फर्म का काम होता है ग्रो करना, इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव करना, ब्रांड बिल्डिंग, रेपुटेशन, वो शायद उस तरह से नहीं मिलती निश मार्केटिंग में, और उन्होंने कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन करनी होती है, तो वो निश मार्केट में तो कस्टमर ही थोड़े हैं तो वो कैपिटल यूज नहीं कर सकते, वरना मशीन आएगी आइडल पड़ी रहेगी बिकॉज नॉट एनफ कस्टमर्स आर देयर, इकोनॉमी ऑफ स्केल अचीव हो नहीं सकता क्योंकि कस्टमर कम है, तो बल्क में तो आपको बाय करना नहीं है। तो बड़ी फर्म नॉर्मली निश मार्केटिंग नहीं करती, नॉर्मली कह रहा हूँ कुछ कर भी लेती है, तो उससे स्मॉल फर्म्स को एक मिल जाती है सेफ प्लेस कि वो वहां जाएंगे एंड दे वोंट बी एबल टू दे डोंट नीड टू फेस कंपटीशन फ्रॉम लार्जर बिजनेसेस, क्योंकि लार्जर बिजनेस के साथ कंपटीशन में आना जरा मुश्किल होता है स्मॉल फर्म्स के लिए क्योंकि उनके पास इकोनॉमी में स्केल नहीं होता ना, वो बल्क बाइंग करते हैं तो इनकी कॉस्ट थोड़ी ज्यादा होती है, तो इनको प्राइस ज्यादा चार्ज करनी पड़ती है। अब वही प्रोडक्ट अगर कम प्राइस पे कोई और चार्ज करेगा तो ऑफकोर्स कस्टमर उसको स्विच कर देंगे, तो वो यहाँ पर स्मॉल फर्म को फेस नहीं करना पड़ता। फिर एबल टू चार्ज अ हायर प्राइस एज द प्रोडक्ट्स आर कस्टमर फोकस्ड, ये मैंने आपको बता दिया है, कस्टमर विल बी विलिंग टू पे एनी प्राइस इन निश मार्केट, क्योंकि उनकी मर्जी की ही चीज मिल रही है उतने गिने चुने लोगों के लिए। फिर मे नॉट हैव टू एडवर्टाइज मच, यस क्योंकि कॉम्पिटिशन ही नहीं है उस सेगमेंट में, तो एडवर्टाइजिंग की कॉस्ट भी आपकी बच जाती है। अच्छा फिर डिसएडवांटेजेस देखिए, तो एक तो लिमिटेड ग्रोथ ऑफ कोर्स, क्योंकि नंबर ऑफ जो पोटेंशियल कस्टमर्स हैं दे आर लिमिटेड, तो आप जैसे ही सारे कस्टमर्स को या मेजोरिटी ऑफ द कस्टमर्स को कैप्चर कर लेते हैं उसके बाद देर इज नो मोर अपॉर्चुनिटी टू ग्रो योर बिजनेस, मतलब आप सेल्स में या प्रोडक्शन में इजाफा नहीं कर सकते। हाई रिस्क ऑफ फेलियर इफ डिमांड ड्रॉप्स, यस आपको बताया था, क्योंकि आप हैविली रिलाई करते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट कम्स फ्रॉम अ वेरी स्मॉल नंबर ऑफ पीपल, तो आप हैविली रिलाई कर रहे होते हैं इन टर्म्स ऑफ सेल्स, इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू एंड प्रॉफिट, उन छोटे से जो ग्रुप बना हुआ लोगों का, उनसे तो रिस्क है। नो इकोनॉमी ऑफ स्केल, मैंने आपको बताई दी है बात, तो कॉस्ट उनकी ज्यादा होती है। अच्छा आ गया मार्केट सेगमेंटेशन पे, हमने बहुत बात की है, तो मैं आपको सब दिखा देता हूँ कि मार्केट सेगमेंटेशन में ऐसे करते हैं कि पूरी मार्केट है और उसमें आपने पोर्शन बना लिए हैं सेगमेंट ए बी सी डी ई एफ, और अब आप उसके बाद डिसाइड करते हैं बेस्ड ऑन योर स्ट्रेंथ्स, बेस्ड ऑन द रिसोर्सेज यू हैव, कि हमने सेगमेंट एफ को टारगेट करना है या बी को करना है या ई को सी को ए को, और उस हिसाब से फिर आप, या ये भी होता है कि हमने
ए डी और ई को रख पकड़ लिया, या एफ सी और बी को पकड़ लिया, या आपको आप एक से ज्यादा भी टारगेट कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन डिपेंड करता है, कंपनी को समझना पड़ेगा पहले कि क्या ऐसा मुमकिन है, हम ऐसा कर सकते हैं कि नहीं। जैसे कि आपके हम हाई एंड मार्केट में को टारगेट करेंगे, लेट्स से हाई एंड मार्केट है, मार्केट एफ, सेगमेंट एफ, लेकिन आपके पास ऐसे ना तो स्किल्ड लेबर है, ना आपके पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे आप हाई क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकें, तो इट विल बी अ वेस्टेज ना। सेगमेंट एफ में जाएंगे, प्रोडक्ट लॉन्च भी करेंगे, लेगा कोई भी नहीं, क्योंकि तो आपकी स्ट्रेंथ नहीं, आपकी स्ट्रेंथ है वैल्यू फॉर मनी, कि प्रोडक्ट की क्वालिटी भी रीजनेबल है और प्राइस भी रीजनेबल है, वो लेट्स से सेगमेंट सी है, और आप सेगमेंट सी को टारगेट कर लेते हैं, तो दैट कुड बी अ मच बेटर चॉइस, जहां पे आप स्टे भी करेंगे और सक्सेसफुल भी होंगे। तो ये कंपनी को, बिजनेसेस को सोचना होता है। अच्छा, अब सेगमेंटेशन करने के लिए हमारे पास टूल्स होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे हम केक नहीं काटते, केक काट के आपने सेगमेंट किए और एक एक पीस जो है वो बनाकर लोगों को दे दिया, घर में होता है ना, कभी केक आया तो पीस कर दी और सबने खाया, तो वो सेगमेंट से होते हैं ना। तो यहाँ पर जो वो हमारे पास जो नाइफ होता है या छुरी होती है, वो है, वो डिफरेंट टूल्स हैं, उसमें एक इनकम आ गया, मीडियम और लो, मीडियम हाई, हाई इनकम वेरी हाई, इस तरह बन जाता है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से एज वो बन जाता है, तो इसमें भी हम यूज कर सकते हैं, जिस तरह के हम बेबी लोशन की बात करते हैं, लोशन तो कई तरह के होते हैं, बेबी लोशन बच्चों के लिए, बेबी शैम्पूस वो भी बच्चों के लिए आजकल आ गए हैं, जैसे जॉनसन एंड जॉनसन ने निकाला हुआ है विद नो टीयर्स, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं, दे कैनोट टेक अ बाथ ऑन देयर ओन, तो देयर मदर्स हैव टू हेल्प देम आउट, तो उसमें फिर आंखों में अगर चला जाए शैम्पू वगैरह तो वो फिर उनको प्रॉब्लम होती है, तो नो टीयर्स निकाल दिया, इसका मतलब वो स्पेसिफिकली बच्चों के लिए है, तो ये एज स्पेसिफिक हो गया और एज के हिसाब से सेगमेंट किया गया। बूढ़ों के लिए मैंने जैसे बताया, आप कंफर्टेबल शूज डिजाइन कर रहे हैं, या कंफर्टेबल कपड़े डिजाइन कर रहे हैं, या आपका जो फूड है वो उसमें लो कोलेस्ट्रॉल है, लो शुगर कंटेंट है वगैरह वगैरह, तो ये भी आप एज के थ्रू सेगमेंट कर रहे हैं मार्केट को। तो आप कभी ना, वैसे तो मार्केट सेगमेंटेशन में देखे ना पेप्सी या कोको, तो यू ऑलवेज फाइंड जनरली, पेप्सी की अगर बात करूं, कि पीपल रिजॉइसिंग यंगर जनरेशन को दिखाते हैं जनरली। अच्छा, कुछ लोग ये भी है कि कोक पेप्सी ये भी कर, फैमिली टच को भी बात कर दिखाते हैं, कि सारे बैठे हुए हैं डाइनिंग टेबल पे एंड कोक इज ऑल्सो बींग सर्व अलॉन्ग विद द फूड, और वो सब इकट्ठे इसको एंजॉय करें, वो ये भी कर लेते हैं, तो सेगमेंट आप कर सकते हैं एज के बेसिस पे भी। भारत फैमिली वाली बात अलग है, तो यहाँ पर अच्छा हम एज के हिसाब से देख रहे हैं। फिर हमारे पास आ गया जी रीजन, अब जैसे चैनल्स को ले लो ना, चैनल्स में कार्टून चैनल्स हैं तो वो बच्चों के लिए हो गए ना, तो एज के हिसाब से टारगेट किया। म्यूजिक चैनल है, कोई स्पोर्ट्स चैनल है, तो यंगर जनरेशन के लिए, वैसे बूढ़े भी देख सकते हैं लेकिन यंगर जनरेशन ज्यादा पसंद करती है। मार्केट सेगमेंटेशन में फिर आप रीजन के साथ भी कर सकते हैं, कुछ रीजन है विच आर वेरी हॉट, विच आर वेरी कोल्ड, तो उसमें फर्ज किया इफ यू डील इन क्लोथ्स, तो आपके क्लोथ उसी तरह के रीजन स्पेसिफिक होंगे, विंटर में अगर, जैसे कि अगर आप यूरोपियन कंट्रीज में देख लें, तो वहां पर आपको नजर आएगा कि ग्लव्स, वूलन ओवरकोट्स, लॉन्ग शूज, तो वो पाकिस्तान में इस्तेमाल नहीं होते, क्योंकि यहाँ सर्दी आती जरूर है, लेकिन वो कुछ में एक आधे महीने की होती है, शदीद सर्दी की बात करूँ तो वहां तो यहाँ पहन नहीं सकते, आग लग जाएगी, और उनके जो ग्लव्स होते हैं वो भी इतने गर्म होते हैं, यहाँ पहने नहीं जाते उस वक्त, लेकिन वहां पर, तो ये आप रीजन स्पेसिफिक भी कर सकते हैं काम। अच्छा, फिर मार्केट